हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास ये MI 6A मॉडल नंबर का सेट है और इसमें प्रॉब्लम ये मैं आपको बता दूँगा कि ये किस तरीके से जो POK कोड आपका लग जाता है तो अगर सिम लॉक लग जाता है तो उसको किस तरीके से बंद किया जाएगा। आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा प्राइवेसी का, तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है। यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद अगर दो सिम लगाए होंगे तो दो सिम बताएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर ये सेट में एक ही सिम लगा तो हमको इस पे जाना है। और यहाँ पर देखिए लॉक सिम कार्ड यहाँ पर बता रहा है तो इसको किस तरीके से बंद किया जाएगा। अगर जब आपका POK कोड लग जाता है और उसको खोलने के बाद अगर इसको यहाँ से बंद नहीं करते हैं तो आपका बार बार POK कोड लग जाता है। जैसे फ्लाइट मोड लगा देते हैं फ़ौरन बंद हो जाता है या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं तो उसके बाद जब ओपन होती तो ये फ्लाइट मोड सॉरी POK कोड लग जाता है। तो इसको किस तरीके से बंद किया जाएगा, यहाँ पर जो इसका कोड होता है वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि 1 से लेकर 4 तक इंटर करना होता तो ये बंद हो जाएगा, या 4 बार 0 अगर आप यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें जो शो कर रहा है यहाँ पर जो ये ले रहा है यहाँ पर 4 बार 0 प्रेस करने से ये जो है वो अनलॉक हो जाता है, जो लॉक होता है वो अनलॉक हो जाता है। और किसी किसी सेट में क्या होता है कि 1 से 4 तक लगाना पड़ता है, किसी किसी सेट में क्या होता है 4 बार 1 ही डायल करना होता है, 1111 चार बार डायल करना होता है तो ये अनलॉक हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से सिम लॉक को बंद किया जाएगा। आई होप कि आपको सही से समझ में आ गया होगा किस तरीके से बंद किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस